सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने ट्यूसडे को सीबीआई जांच की सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी और अब केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की यह सिफारिश मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। अब इस केस की सीबीआई जाँच करेगी। सुशांत के फैंस उनके डेथ के बाद से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और अब उनकी विश पूरी हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली गई है। रिया की तरफ से वकील श्याम दीवान ने कहा कि रिया के खिलाफ एफआईआर ज्यूरिस्डिक्शन के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस मुंबई में आकर छानबीन कर रही है जबकि ये उनका क्षेत्र अधिकार नहीं है। रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह तय करेंगे कि इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कौन करेगा। रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मांगी गई जिसका सुशांत के पिता ने विरोध किया और कहा कि रिया को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए। सुशांत के फैमिली के लॉयर विकास सिंह ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है और वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के आईपीएस को क्वारंटीन में रखना सही मैसेज नहीं देता। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एक मामले की दो स्टेट्स की पुलिस जाँच नहीं कर सकती। कानून के मुताबिक मुंबई पुलिस जांच कर रही है जिसे जारी रहने दिया जाना चाहिए। सुशांत अपने घर में 14 जून को मृत पाए गए और मुंबई पुलिस अब तक 56 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। एंटरटेनमेंट जगत की सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए मूवी टॉकीज से। परंतु 40 दिन के बीच जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं।